नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूँ आपको मेरे चैनल। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या गलती हो गई, क्या फैक्टर था जिसके कारण अगेन नीतीश कुमार जो एनडीए बैक अलायंस है बिहार में रूल करने जा रही है और महागठबंधन की हार हुई है। ठीक है ना। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ किसको, तेजस्वी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने मेहनत करके एक ऐसे अकेला इंसान जो पूरे एनडीए को नाक में दम कर रखा था, सुबह से लेकर शाम तक समझ में नहीं आ रहा था कि जीतेगा कौन कौन हारेगा, राइट। तो ये हमारा सेशन होगा। हाँ, मेरे कुछ पॉइंट्स होंगे, उससे आप मतभेद रख सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि क्यों इतने एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद नीतीश सरकार क्यों जीत गई। हाँ, जो जीतने का मार्जिन है वो छोटा है, कम है अगर देखा जाए महागठबंधन और एनडीए में, लेकिन क्यों जीता इसके कारण हम समझते हैं और महागठबंधन से क्या गलती हो गई, कहाँ चुप कर बैठे। ओके, तो आते हैं पहले चुनाव का, देखते हैं कि किसको कितने परसेंट शेयर वोट मिला है। तो अगर हम देखते हैं, ये हम डाटा उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो अगर हम देखा जाए जो तेजस्वी सरकार है, जो तेजस्वी का जो पार्टी है महागठबंधन आरजेडी है, उसको वोट शेयर मिला है 23.1%। और ये क्या है, ये बीजेपी का है। अब कारण क्या है कि तेजस्वी को क्यों मिला है, क्योंकि तेजस्वी ने ज़्यादा सीट पर लड़ा भी था, आई थिंक 147 के अराउंड लड़ा था, और एनडीए कितने पर लड़ा था, 115 के अराउंड। ठीक है ना। तो ये सब क्या है ना, वोट वाइज परसेंटेज वाइज दिखाया है कि किसको कितना परसेंटेज मिला है। लेकिन हमारा सवाल उठता है कि क्यों, क्या गलती हो गई जिससे महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करो, सबसे पहले क्या फैक्टर था जो एनडीए या नीतीश कुमार के गवर्नमेंट जो एनडीए था उसको जीत मिली है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है ना कि जो नीतीश कुमार का है वो ईबीसी फैक्टर, और ईबीसी जिसको बोलते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और क्या होते हैं वो साइलेंट वोटर होते हैं, और महादलित, ठीक है ना, दलित, और नीतीश कुमार जी का जो कास्ट है वो कुर्मी है। तो ये जो जनरली जो ईबीसी है या महादलित है ना, ये सब साइलेंट वोटर होते हैं, ये किसी को बताएंगे नहीं कि हम किसको वोट कर रहे हैं, चुपचाप जाकर वोट कर देते हैं। तो वह एक फैक्टर था जिसके कारण क्या है ना कि नीतीश को ईबीसी का बहुत सारा वोट मिला है। सबसे जो ग्रेट फैक्टर था ना, डेट इज़ क्या है ना, वीमेन, रोल ऑफ वीमेन, औरतों का रोल। अगर हम डाटा उठाए, परसेंटेज उठाए, तो उसमें क्या देखोगे आप, उसमें देखोगे कि जितना मेल जो है का जो वोटिंग परसेंटेज है, उससे 5% ज़्यादा जो है औरत है ना, वो पार्टिसिपेट की है इस बार के चुनाव में। ठीक है ना। और देखोगे कि औरत पार्टिसिपेट की है, और औरत का जो वोट बेस है, औरत जो वोट देती है वो ज़्यादा प्रीफर करती है नीतीश गवर्नमेंट को। अब कारण क्या है कि नीतीश गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रीफर करती है। ठीक है ना। अगर नीतीश गवर्नमेंट क्या है ना, सबसे पहला स्टेप था शराबबंदी, मे बी अभी शराब मिलता हो इलीगल तरीके से, लेकिन वन ऑफ द सबसे बेस्ट था शराबबंदी, औरतों का सिक्योरिटी। ठीक है ना। और एक है जंगल राज का जो कंसेप्ट है, ये मे बी अभी तेजस्वी में आता नहीं, क्योंकि हम अनुमान लगा रहे हैं कि पहले था तो अभी भी आ सकता है, जो भी नहीं है। लेकिन एक है ना, फियर ऑलरेडी बैठा हुआ था, क्योंकि कि मतलब साइकोलॉजिकल फियर की अगर आता है, तेजस्वी गवर्नमेंट आता है, तो फिर से लॉ एंड ऑर्डर खराब ही हो जाएगा। और सेकेंड क्या है ना कि जो एलपीजी कनेक्शन है, अगर कोविड के दौरान भी देखा जाए या उससे भी पहले जो बहुत सारी योजनाएं हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तो एलपीजी कनेक्शन फ्री मिला है और फ्री बिजली मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वच्छ भारत जो अभियान है, उसमें इन लोगों को क्या मिला है, शौचालय मिला है। तो जो औरतों को जो मेन जो चाहिए, मेन जो थिंग्स का जो डिमांड होता है, वो क्या होता है, उनको गैस चूल्हा होना चाहिए, उनको बिजली होना चाहिए, उसके बाद क्या है ना, शराबबंदी होना चाहिए। और इवन आप देखोगे तो क्या है ना कि लड़कियों को साइकिल और प्लस 35% रिजर्वेशन, इसमें जो अभी पीसीएस लेवल या स्टेट लेवल एग्जाम होता है, उसमें से 35% रिजर्वेशन किसको मिला है, लड़कियों को मिला है। ये सारे जो फैक्टर है ना, जो वीमन को नीतीश गवर्नमेंट की तरफ खींच के ले आया है। ठीक है ना। एक और फैक्टर है जिससे क्या है ना कि एनआरसी और सीएए पर नीतीश गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड था। अगर आप पढ़े होगे तो देखोगे कि नीतीश गवर्नमेंट ने क्या करा था कि इसके खिलाफ जो सीएए है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया था। और सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है नीतीश गवर्नमेंट का, यहाँ गलत टाइप हो गया है, हर घर नल योजना। ठीक है ना। इसमें क्या है ना कि 400 फीट नीचे का पानी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पिलाया जाएगा। तो क्या है ना कि इससे खासकर औरत में क्या देखा गया कि जो गरीब गरीब
गरीब लोग, गरीब जो है, जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेसिस पर देखा जाए जो कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको क्या है ना 400 फीट नीचे का पानी जो है ना पीने का मौका मिला। ये सब जो एरिया है ना, जिससे क्या है ना कि जो औरत का जो वोट बेस है ना, वो नीतीश कुमार को ज़्यादा सपोर्ट किया है, जो नीतीश कुमार बोलो या एनडीओ को ज़्यादा सपोर्ट किया है, राइट। अब नेक्स्ट आ गया कोरोना का मैनेजमेंट। इसमें मतभेद हो सकता है, क्योंकि कुछ बोलते हैं कि कोरोना का मैनेजमेंट नहीं हुआ, प्लान का जो इशू था कि प्लान में जो जितने भी माइग्रेंट वर्कर आए उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिला, राइट। लेकिन अगर देखा जाए तो टेस्टिंग के हिसाब देखा जाए तो टेस्टिंग में भी गलत हो या आंकड़े गलत हो या सही है वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट का जो आंकड़े देखा जाए तो बिहार का जो रिकवरी रेट है मोर देन 90% पहुंच चुका है, और डेथ भी बहुत कम हुआ है। और क्या है ना कि कोरोना और 1000 रुपीज़ प्लस राशन कब दिया गया, ये उस समय दिया गया जब कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था, तब जो बाहर जो फंसे हुए थे। ये सब जो फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर है ना एक साइकोलॉजिकल मन में आ जाना कि अरे अगर आरजेडी आएगा तो क्या होगा, हमारा एक लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, जो पहले का जो सिचुएशन तो वो आ जाएगा। मे भी ये गलत चीज़ हो सकता है, ये गलत सोच हो, लेकिन ये सब मतलब सोचा गया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है, राइट। तो ये सब जो फैक्टर था जो क्या कर दिया वोट बैंक है ना, वो डायरेक्ट जो औरतें का वोट बैंक है वो शिफ्ट कर दिया किसके तरफ, नीतीश की गवर्नमेंट के तरफ, राइट। अगर हम देखा जाए तो जो नीतीश का जो इलाका है जिसको नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो कुर्मी वोटर है, कुर्मी वोटर किसको सपोर्ट किया है, सपोर्ट किया है इसको नीतीश गवर्नमेंट को। ये सब फैक्टर था। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी कहाँ चुक गए, राइट। देखो अब चुकना अलग बात है, कहावत होगा ना कि हार के जीतने वालों को भी बाजीगर बोलते हैं, वही तेजस्वी के साथ हुआ है। अकेला 31 साल का इंसान पूरे अपोजिशन को नाक में दम कर रखा था, अभी तक भी हो रहा था, सुबह 7 मतलब शाम को 7 बजे 8 बजे तक कि अब महागठबंधन जीत जाएगी, महागठबंधन जीत जाएगी। इकलौता इंसान था जो इतना मेहनत किया था, मेहनत के बावजूद भी मतलब क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन हार गया तो क्या हुआ, लेकिन उसके मेहनत को अप्रिसिएट करना चाहिए। लेकिन कहाँ कहाँ गलती हुई, अब देखो क्या है। एक है एलजीपी फैक्टर, जो लोजपा है उनका एक फैक्टर है जो क्या हुआ इनको हेल्प करा, लोजपा एक फैक्टर है जो क्या हुआ महागठबंधन को हेल्प करा, और कुछ जगह हेल्प भी नहीं करा, लेकिन क्या हुआ कि नीतीश गवर्नमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाया। जैसे कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे महुआ हो गया, जहाँ से पहले तेज प्रताप मतलब इससे पहले तेज प्रताप वहाँ के थे, लेकिन अब तेज प्रताप वहाँ से हसनपुर से लड़ रहे हैं। क्या हुआ महुआ हो गया, उसके बाद सासाराम हो गया, ये सब ऐसे जगह है ना जहाँ पर क्लियर कट एनडीए जीतने वाली थी या जदयू का सीट जीतने वाला था, लेकिन क्या हुआ ना कि आकर एलजेपी रामविलास पासवान के जो सुपुत्र है वो सारे चौपट कर दिए, ठीक है ना। एक फैक्टर है जिससे क्या होगा कि फायदा मिला किसको, महागठबंधन को फायदा मिला। अब कहाँ महागठबंधन लैग कर गया है कि महागठबंधन ने क्या नीतीश सॉरी तेजस्वी ने क्या बोला था कि हम 10 लाख जॉब देंगे, लेकिन 10 लाख जॉब पर तो यूथ काफ़ी खुश हुआ था, यूथ काफ़ी खुश हुआ था, लेकिन उस पर क्लियर स्टैंड नहीं था जो भी अपोजिशन के द्वारा टारगेट भी किया गया कि 10 लाख जॉब हम कैसे देंगे। अगर देखोगे तो अगर हम एज के हिसाब से अगर बिहार का देखें हम, तो एज के हिसाब से देखें तो जो 40 साल से ऊपर 40-50 साल के ऊपर के जो लोग सब है ना वो जनरली प्रीफर किया है एनडीओ को वोट देने का, और जो यूथ है ना यूथ जनरली फोकस किया है महागठबंधन को देने का। कारण क्या है कि हो सकता है कि जो 40-50 साल के ऊपर वाले एज के जो इंसान होंगे उनको 90s के दौर के लॉ एंड ऑर्डर को देख लिए होंगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम था इसलिए दिए होंगे, वन ऑफ द फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ा क्या है कि महागठबंधन को हारने या नीचे डुबाने, लो परफॉर्म लो जो जितने भी एग्जिट पोल थे सबको फेल करने का वो कांग्रेस का परफॉर्मेंस। अब क्या होगा कि तेजस्वी से यही गलती हो गई, गलती बोलो मत, गलती तो नहीं है, मतलब उस समय एक कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिला ना, कितना मिल गया कांग्रेस को, 70 सीट मिला था, राइट। अब 70 सीट में से कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही कम रहा, इससे अच्छा परफॉर्मेंस लेफ्ट को रहा। अगर 70 के जगह कम मिलता और वो सीट किसी और को मिल जाता या आरजेडी को मिल जाता, तो क्या था कि हाई चांस था कि आरजेडी गवर्नमेंट क्या करे सरकार बना ले। तो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था ना वो बहुत ही गड़बड़ था। और ये तो बात कर ही चुके हैं जो फियर एमंग पीपल, ठीक है ना। एक था कि अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर जो है ना बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले किया, लेकिन देखा जाए तो क्या होता है जो प्लान जो सिस्टम है ना, वोटिंग कितने हुए हैं 57% के आसपास हुए हैं। तो अब देखो अब क्या है कि ओबीसी का अगर बिहार में हम
जनसंख्या देखेंगे तो कितना है, लगभग अराउंड 70% है। 70% में क्या है कि जो पलायन होते हैं, जिससे क्या है ना कि बहुत सारे आउट ऑफ बिहार चले जाते हैं। तो कोरोना खत्म होते ही, लॉकडाउन खत्म होते ही बहुत सारे ऐसे बंदे थे, अब 57% वोटिंग दिया जा रहा है, तो बाकी जो बच गए वो तो वोट नहीं कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है उसमें कुछ ऐसे परसेंटेज होंगे जो आउट ऑफ बाहर चले होंगे, वहाँ चले गए होंगे, आउट ऑफ बिहार चले गए होंगे। तो क्या है ना कि लोग जो वोटिंग से है, या कोरोना के डर से हो, या बाहर सब चले गए, उनके कारण क्या हुआ ना कि वो भी एक इशू है, जिसके कारण क्या ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट दिया, ठीक है ना। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था, इसीलिए अगर आप देखोगे तो नीतीश का जो नीतीश गवर्नमेंट नीतीश जो नीतीश कुमार है, उनके जो सीट्स हैं वो काफ़ी नीचे गिरावट हुआ है, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ है कि अगर बीजेपी का देखेंगे तो बीजेपी का डायरेक्ट राइज हुआ है। दीज आर द फैक्टर, ठीक है ना। अब देखो क्या है, एक और फैक्टर है कि जैसे फ्लड के लिए, जैसे फ्लड आया था तो उसमें पप्पू कुमार जो पप्पू यादव थे, उन्होंने क्या करा था कि पटना में हर जगह फ्लड फ्लड में घूम घूम के लोगों को हेल्प किए थे, चमकी बुखार थे, इस चमकी बुखार में भी ऐसा हुआ था। तो हर जगह क्या है ना कि तेजस्वी क्या थे, मिसिंग थे, ठीक है ना। वो क्या करते थे कि अपना फायदा दिखाने के पहले, जैसे होता है ना कि हमने ये किया ये किया, वो करने से पहले वो क्रिटिसाइज करने लगते थे कि हाँ तुम्हारे गवर्नमेंट में हुआ तो भैया तुमने क्या किए। तो ये जो बड़े बड़े इंसिडेंट हुए, जैसे फ्लड हो गया, चमकी बुखार हो गया, ये सब, तो वहाँ पर क्या है ना कि जो रोल ऑफ ऑपोजिशन होता है बहुत रोल प्ले करता है। तो वहाँ पर तेजस्वी जी मिसिंग थे, ठीक है ना। और क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे जगह थे, जैसे सपोज करो नहीं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे, वो क्या हुआ कि चुनाव से पहले ही या नाराज थे, महागठबंधन थे, या आरजेडी से नाराज थे, या वहाँ से त्यागपत्र दे दिए थे, ठीक है ना। वो भी एक फैक्टर हो सकता है महागठबंधन को हारने का, ठीक है ना। और क्या है कि अगर हम देखें, अगर तेजस्वी का पॉजिटिव फैक्टर देखें तो ठीक है ना, एक नया लीडर है, नया लीडर वर्सेस एक्सपीरियंस लीडर। एक्सपीरियंस लीडर में क्या थे, नीतीश कुमार थे और मोदी सुशील मोदी थे, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन तेजस्वी का मानना पड़ेगा, उसको अप्रिसिएट करना पड़ेगा कि वहां तक पहुंच गया, टक्कर दे दिया, ठीक है ना। और क्या है कि अकेला है बट काफी नहीं है, ठीक है ना। अकेला जो था उस पर काफी बोझ पड़ गया, अकेला ही एक ही इंसान है जो हर जगह रैली करता था, हर जगह घूमता था, तो क्या हुआ ना कि एक सही से नहीं हो पाया, हार्डवर्क इतना रैली के दौरान किया, लेकिन क्या देखा जाए कि हाँ, लेकिन वो आउटपुट में नहीं हुआ। क्योंकि अगर आरजेडी का वोट बैंक देखो तो क्या है, एमआई जिसको बोलते हैं मुस्लिम और एमओआई, और यादव, यादव वोट, इसमें भी देखो तो इसमें भी अलग अलग फैक्शन है, अलग अलग टुकड़े हो गए थे, जो कुछ कुछ फैक्शंस वोट किया महागठबंधन को, कुछ फैक्शंस वोट नहीं किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो फैक्टर था ना जो महागठबंधन का, जिसके कारण क्या हुआ कि वो उनको जीत नहीं मिल पाई, मेजोरिटी से कम रह गए, जीत नहीं मिल पाई। और जो ऑलरेडी फैक्टर देख चुके हैं, जिसके कारण नीतीश गवर्नमेंट को अभी जीत मिली है, राइट, या एनडीए को जीत मिली है, जिसमें क्या हुआ है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। अब देखो एक एरिया है बिहार का, अगर मैप में देखेंगे तो उसको बोलते हैं सीमांचल इलाका। देखो अगर देखो सीमांचल में क्या, जो पीला कलर का जो एरिया दिख रहा होगा, डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, और कटिहार हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें अगर देखो तो इसमें मुस्लिम बट गया है पूरा। अब मुस्लिम का वोट देखो तो मुस्लिम का वोट क्या है ना कि एनडीए को, बीजेपी को तो जाएगी नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, किसको जाएगी, महागठबंधन को जाएगी। लेकिन इस एरिया में क्या है ना कि बट गया है, किसमें बटा है, अब अवैसी का जो अवैसी साहब है, उनके नए पार्टी पर इसमें चुनाव लड़ी है, तो वो क्या है 5 सीट जीत गया है, 5 सीट जीत गया है। यहाँ पर क्या है कि मुस्लिम सीट जब बटा है तो कुछ सेक्शन गया होगा अवैसी में, कुछ सेक्शन गया होगा महागठबंधन में। तो बट गया तो फायदा किसका हो जाएगा, इसको एनडीए अलायंस को फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब एरिया है जहाँ पर देखा गया है, देखा गया है कि कैसे कैसे वोट का टर्न ऑफ मूव किया गया है, राइट। तो ये सब फैक्टर था, बाकी अपडेट आगे फिर आगे लेके आऊँगा अगले सेशन में, अगले अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, और एक और बात, हार गए महागठबंधन, हार गए तो क्या हुआ, लेकिन तेजस्वी के एफर्ट को है ना सलाम करना चाहिए और अप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि एक लौता इंसान, एक लौता यूथ, जो जो यूथ है सीखना चाहिए। राहुल गांधी भी यूथ ही हैं, 50 साल के, और सपा के जो अखिलेश यादव, ये सब क्या यूथ नेता सब हैं। तो तेजस्वी यादव से सबको सीखना चाहिए कि एक 31 साल का इंसान एक हेलीकॉप्टर पर कुरूर के सबके नाकों में दम कर रखा था, सबके पसीने छुड़ा रखा था, कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो इसके लिए तेजस्वी को जोर से सैल्यूट है।
और बिहार की जनता को मुबारक जिसने मैंडेट में किसको चूज किया, एनडीए को चूज किया। और होप करते हैं कि नीतीश जी इससे सीख लेकर आगे 5 साल और अच्छे काम करेंगे कि ये नौबत देखना ना पड़े। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। अब अपना कमेंट, अगर मेरे से अगर मतभेद हो या आपको कुछ और कुछ बोलना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आते हैं अगले, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। ओके, बाय, टेक केयर।